हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन एकेडमी सेपियंस। तो आज एनटीए अभ्यास ऐप का जो पेपर नंबर 5 है उसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और 90 क्वेश्चंस हैं और हम इसे 60 मिनट्स के विदिन ही आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम और आंसर्स भी बिल्कुल फास्ट आने चाहिए कॉमेंट सेक्शन में। कॉमेंट सेक्शन मेरे सामने है, बिल्कुल मैं सबके कॉमेंट देख रहा हूँ। राहुल चैटर्जी, जेकी गोयल, जीवन, रेणुका, रबाब, पाशरद, रूमा, सौम्यजीत, जीवन। तो जल्दी से आंसर करना है बिल्कुल। और चार पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं अनअकैडमी सेपियंस पे। आज ये पेपर नंबर 5 है, पेपर नंबर 6 का भी आगे डिस्कशन होगा, पेपर नंबर 7 का भी। ओके, तो ये बायोलॉजी का डिस्कशन है, ऐसे ही फिजिक्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी डिस्कशन हो रहा है। तो सब लोगों ने पेपर दिया होगा और पेपर में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, अप्रोक्स 10% का वेरिएशन हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है, जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। मिस 90 क्वेश्चंस अगर हैं तो 10-15 क्वेश्चंस बाहर से पूछे गए हैं, मिस ओल्ड एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा जब हम एनसीईआरटी पढ़े ना तो दायरा थोड़ा बढ़ाना है हमें, कुछ ऐसा कहना चाहती है एनटीए, ठीक है। तो सबके लिए पेपर टफ होगा, अगर पेपर टफ आएगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और फिर जल्दी से जितने लोगों को शेयर कर सकते हो जल्दी से करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, तो सबसे पहले मैं बता दूं अनअकैडमी प्लस के बारे में। आप हमसे अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ सकते हैं, टोटल 68 एडुकेटर्स हैं जो आज अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे फायदे जो सामने देख सकते हो, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेस हैं सबका। इसके अलावा टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलिमिटेड बैच कोर्सेस होते हैं अवेलेबल, मेंटर मिलते हैं, पीडीएफ मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बहुत सारे कोर्सेस भी आ चुके हैं। तो बस एक बात का ख्याल रखें कि जब भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो कुमार लाइव कोड को यूज करना है, 24 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए। तो ये लगाते हो अगर कुमार लाइव कोड तो डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। एनटीए टेस्ट 5, टोटल 90 क्वेश्चंस सामने हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक, व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्सोटिक ब्रीड्स। थोड़ा फास्ट चलेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, एक्सोटिक ब्रीड्स आखिर कहते हैं हम किसे हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स किसे कहेंगे भाई, जल्दी से। एक्सोटिक ब्रीड्स ऐसे ब्रीड्स होते हैं जो हमारी कंट्री में नहीं है, जो किसी दूसरे कंट्री से लाए गए हैं, ओरिजिनली कहीं ना कहीं और से अगर लाए गए हैं। तो पूछा गया है एक्सोटिक ब्रीड्स के बारे में, तो ये रिक्वायर अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ, समझ गए। क्योंकि बाहर से अगर हम किसी स्पेसीज को ला रहे हैं, बाहर से अगर हम किसी ब्रीड को ला रहे हैं, तो हमें ये ख्याल जरूर रखना होगा कि जो बाहर से आ रहा है वो किस एनवायरमेंट का है, हमें बिल्कुल वैसा ही एनवायरमेंट उसे देना होगा। ओके, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं ना जूलॉजिकल गार्डन के बारे में। जूलॉजिकल गार्डन में जितने भी स्पेसीज को रखा जाता है, सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग दिया जाता है एनवायरमेंट, जो जैसे अपने नेचुरल एनवायरमेंट में रहा करता था, है ना। तो पहला क्वेश्चन आंसर है बच्चों 1। क्वेश्चन नंबर 2 सामने ये रहा, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेन बाय लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ। सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेन बाय लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ। जल्दी से बताना है क्या लगता है। लेडिक सेल्स सब लोग जानते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स के बारे में सुना होगा सबने। तो हमारे बॉडी के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबको रेगुलेट करने का जिम्मा एंड्रोजेन के पास होता है। एंड्रोजेन क्या है, तो ग्रुप ऑफ मेल हॉर्मोन्स होता है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, ICSH, सबने सुन रखा होगा इसे। तो मैं ये भी बताता चलूं कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ये जो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, या बोल सकते हैं हार्मोनल अप्रोच जो है एंडोक्राइन सिस्टम वहां से भी है। क्वेश्चन नंबर 3 द लिविंग वर्ल्ड का ये क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। क्या लगता है टोटल जितने डिस्क्राइब्ड हैं वो कितने हैं,
टोटल जो डिस्क्राइब्ड हैं वो कितने हैं? एनसीईआरटी का डेटा है टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज आज जो नोन है और डिस्कवर्ड हैं। तो ये चीज का ख्याल रखना है, टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन, ये 2010 का डेटा है। कहें तो 17 से 18 लाख जो हैं अभी तक नोन हैं और डिस्क्राइब्ड हैं। अगर यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि कितने टोटल एग्जिस्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 to 8 मिलियन जो है आज स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 एनिमल डायवर्सिटी से ये क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन। जल्दी से भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 4, जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं वीडियो को लाइक जरूर करें जल्दी से। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनेलिडा। ये बात तो साफ समझ में आ रही होगी कि द रेस्पिरेटरी, सिंपल सी बात है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सब लोग जानते हैं, सिंपल सी बात होती है। हेमोसियानिन के बारे में सबने सुना होगा, हेमोसियानिन कॉपर होता है प्रेजेंट इसमें, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, कॉपर होता है प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, तो सिंपल सी आंसर चली जाएगी, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एनेलिडा में कह सकते हैं ना, सबसे पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था। सबसे पहली बार अगर अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम आया तो वो एनेलिडा में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बायोमॉलिक्यूल्स का ये क्वेश्चन। बायोमॉलिक्यूल्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले। व्हाट इज इनकरेक्ट इसमें पूछा गया है, इनकरेक्ट लिपोप्रोटीन, नाम से पता चल रहा होगा लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, सही लग रहा है। क्रोमोप्रोटीन्स अगर बोली जाए तो क्रोमोप्रोटीन एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, इसमें फैट की बात हम करेंगे ही नहीं, लिपिड्स इसमें होते ही नहीं है, सिंपल सी चीज है ये। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इसमें साथ में। न्यूक्लियोप्रोटीन, नाम से लग रहा होगा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन, नाम से लग रहा होगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये सिंपल सी बात हो गई। तो क्रोमोप्रोटीन का एक बेहतरीन एग्जांपल हेमोग्लोबिन आता है, वो चीज जरूर याद रखेंगे। तो सबको मालूम होगा हेमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो इसमें आयरन होता है और ऑक्सीजन इसमें शामिल होता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो ये क्रोमोप्रोटीन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले 2012 में शायद आ चुका है। ये पूछा गया है, Represented below is the inheritance pattern of a certain type of traits in humans. So which one of the following conditions could be an example of this pattern? Thalassemia, पहला option है thalassemia, फिर hemophilia, फिर phenylketonuria और फिर है last में sickle cell anemia. Sickle cell anemia, सबको मालूम होगा, answer क्या जाएगा? X-linked disorder, क्या सबको मालूम है? X-linked disorder. तो सिंपल सा यह पैटर्न आ जाएगा, हेमोफीलिया का पैटर्न है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली, रूप से क्लॉट नहीं हो पाता ये चीज, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो सिंपल सा चीज होता है, समझ गए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है 2, ये जेनेटिक्स का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, क्या लगता है बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा मेथड है? बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा मेथड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल? IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, सबसे बेहतरीन है जो आज हमारे इंडिया में चल रहे हैं, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, IUDs का। ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट है सामने, लैकुनी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, लैकनी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये टिश्यू से क्वेश्चन कह सकते हैं या स्केल्टन सिस्टम से कह सकते हैं, उसमें हम बोन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ये सब चीजें। लैकुनी आर, एनसीईआरटी में टर्म का तो यूज हुआ है लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो, सिंपल सी बात होती है, एक एनालिकुली होता क्या है, बहुत सारे लैकुनी होते हैं ना, छोटे छोटे स्पेस होते हैं,
तो जितने भी लैकुनी होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो कैनाली कुली से। जैसे माना कि एक ये लैकुनी हो गया, एक ये लैकुनी हो गया, आपस में कनेक्टेड होते हैं कैनाली कुली से, तो बस इतना ख्याल रखेंगे आंसर क्या जाएगा, कैनाली कुली। ये बोन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट, जल्दी से, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है। दो क्रोमेटिड जो होता है मेटाफेज क्रोमोसोम का, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये पूछा गया था। मैं कह सकता हूं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो अरेंज रहेगा किस पे, जो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो अरेंज रहता है, क्योंकि मेटाफेज की बात आएगी तो इक्वेटर वाली बात तो आती है, तो वहीं पर ये चीज होता है सेपरेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, टीसू के नाम दे रखे हैं, टीसू के साथ उनके लोकेशन और उसके साथ उनका फंक्शन दे रखा है। पहला है रेटिकुलर टिश्यू, दूसरा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, चौथा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चार तरह के टिश्यू हैं टोटल। सबसे करेक्ट कौन है यहां पे, जो मोर करेक्ट लग रहा है यहां पे, जल्दी से बताएंगे। जैसे रेटिकुलर टिश्यू है, माना कि स्प्लीन में है, ठीक है, स्प्लीन में, तो इसका काम तो फिल्टर में रहा होगा ना, फिल्ट्रेशन में, ये तो चीज गलत हो गई यहां पे। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है पीसीटी के बारे में, और ये अब्सॉर्प्शन भी करता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन काम होता है इन पीसीटी में, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी अब्सॉर्प्शन होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा 2, टिश्यू का नाम और उनके लोकेशन और उनके फंक्शन बिल्कुल सही है यहां पे। इतनी बातें क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और जैसे यहां पर अगर देख लें, ये जो हमारे पास जैसे कॉर्निया है, तो कॉर्निया के पास कोई भी सेंसरी एपिथेलियम नहीं होता, और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की अगर बात करेंगे तो यहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होना चाहिए, जैसा कि सब बच्चों को मालूम है। तो देखते हैं 10 out of 10 कितने बच्चों के आ रहे हैं, 10 out of 10 कितने बच्चों के आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट में रिप्लाई करना है, 10 out of 10 कितने बच्चों के आ रहे हैं भाई। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके 10 out of 10 आ रहे हैं, बहुत शानदार, 10 out of 10 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो को जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं जल्दी से शेयर करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, फहीम, करिश्मा, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से लगाएंगे। ओरल कंट्रोसेप्टिव हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग, ओरल कंट्रोसेप्टिव पिल्स फीमेल्स जो लेती हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन जनरली शामिल होता है, तो ये कैसे करता है, कैसे होता है, ये ओवा फॉर्मेशन को ही रोक देता है ये, क्योंकि FSH और LH का जो है ना ग्रोथ, तो सिंपल सी बात जो होती है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, क्योंकि जितने भी ये सब पिल्स होते हैं ना सब में प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो जो FSH का डेवलपमेंट होना था और इधर LH का डेवलपमेंट होना था, दोनों के डेवलपमेंट को ही रोक देता है, तो ये काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो यहां पर ओवा फॉर्मेशन चला जाएगा, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड टू, डायरेक्ट हार्मोनल अप्रोच बताना है कौन सा हार्मोन होता है। फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट का मूवमेंट होता है जो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है, जियोट्रॉपिक जो होता है ये जनरली अगर बात करते हैं तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं। तो कौन सा हार्मोन होता है जो कि एपिकल डोमिनेंस, सबने नाम सुन रखा होगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जनरली रूट्स के बारे में अगर बात करते हैं जियोट्रॉपिक, तो सबके लिए कौन जाएगा, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या लगता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, VNTR belongs to a class of mini satellite DNA,
डीएनए सीक्वेंसर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर. ए जीपी वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. और लास्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न इज नॉट यूनिक टू एन इंडिविजुअल. यूनिक होता है ना, मीन सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अगर सैंपल निकालते हो डीएनए का, तो जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं सबका वो यूनिक आइडेंटिटी होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो बच्चे बच्चे जानते हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, 4. ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क बाय क्लीविंग. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है, किन चीजों को तोड़ देगा, ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है ना जो डीएनए में, उसको ही तोड़ने का काम करता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. ऐसा नहीं है सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही, अगर मैं बोलूंगा कोई भी अगर एक्सोन्यूक्लिएज भी होगा ना, ये तो चलो इंडोन्यूक्लिएज में आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज में कोई भी अगर हो तो जनरली वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही तोड़ने का काम करता है. बड़ी सिंपल सी चीज है. नेक्स्ट बायोटेक का क्वेश्चन था, ये बायोटेक प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 15. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ एग्जाम में. ICBM द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है ये. ICBM क्या लगता है, ICBM तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. कई बच्चे ऑफ और फॉर के चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं, वो एनसीईआरटी की मिस्टेक है ऑफ और फॉर. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ये चीजें प्लांट्स के बारे में, ये मीन्स किताब है एक टाइप का जो कि रूल्स देने का काम करती है, कई सारे रूल्स लिख रखे हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड. रेनल पिरामिड का ये कौन सा पार्ट यहां पे नहीं है, रेनल पिरामिड का अगर बात करते हैं, नॉट अ पार्ट पूछा गया है, तो रेनल पिरामिड में आखिर आता क्या क्या है. लुपोफेनली आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आता है, लेकिन कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स की कोई भी बात यहां पे नहीं करते. ठीक है, कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स की अगर बात करेंगे तो ये रेनल कॉर्टेक्स में आएगा, ये रेनल पिरामिड में नहीं आता है. समझ गए, तो ये सब चीजें हैं, रेनल कॉर्पसल्स वगैरह उसमें ही आता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 17, इन बायोटेक्मिक टाइप ऑफ ओव्यूल न्यूशेलस इज एंड द नंबर ऑफ इंटेगमेंट्स इज, ऑलरेडी आ चुका है नंबर ऑफ इंटेगमेंट्स, पहले भी एक क्वेश्चन. एनटीए के जो पेपर है ना आपस में इंटर रिलेटेड है, अगर ये देखने की कोशिश करोगे तो सब आपस में इंटर रिलेटेड है. तो क्या होता है भाई, वेल डेवलप्ड होता है और कितने होते हैं, 2 होते हैं. बायोटेक्मिक टाइप पढ़े होगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में. न्यूशेलस बहुत अच्छे से डेवलप होता है. ओव्यूल्स में कितने इंटेगमेंट्स होंगे, 2 इंटेगमेंट्स होते हैं, जितने भी मोनोकॉट्स वगैरह में देखने को मिल सकता है ये आराम से. क्वेश्चन नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में भी आया हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है. कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड इन स्टार्च इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च मेक इट यूजफुल एज स्टोरेज मटेरियल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो बताना है. बड़ा सिंपल सही क्वेश्चन है. केमिकली क्या होता है भाई, नॉन रिएक्टिव है, सारे बच्चे जानते होंगे इसके बारे में. स्टार्च के बारे में तो सब जानते होंगे यार, प्लांट जो प्लांट में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में. तो केमिकली अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वो नॉन रिएक्टिव होता है, और उसके बाद अगर बात करते हैं ऑस्मोटिकली तो वो इनएक्टिव होता है. तो ये चीज तो सब लोग जानते होंगे कि तभी तो सुक्रोज के फॉर्म में वो जाता है, और स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में. आंसर क्या जाएगा, बी एंड डी जाएगा आंसर, सिंपल सी चीज. क्वेश्चन नंबर 19, सेनेसेंस इन प्लांट्स इज इनहिबिटेड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेनेसेंस बोले तो एजिंग, सेनेसेंस इन प्लांट्स इज इनहिबिटेड बाय. एजिंग लीव्स का हो सकता है, प्लांट के और भी ऑर्गन्स का हो सकता है, तो इनहिबिटेड बाय साइटोकाइनिन, वो उसे बचाता है. सिंपल सा, एक रिचमेंड लैंग इफेक्ट भी होता है जिसे पढ़ाया जाता है इसमें. क्वेश्चन नंबर 20, A cell increases in volume if the external medium is, अपने मार्क्स बताने को रेडी रहना भाई. A cell increases in volume if the external medium is. A cell increases in volume. जैसे किशमिश को पानी में डाल दोगे तो कंडीशन कैसा रहा होगा, पहले हाइपोटोनिक रहा होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में भी तो ऐसा होगा, तो
बस सिंपल सी चीज है, अगर कोई प्लाज्मोलाइज सेल है अगर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हो तो इंडोस्मोसिस होगा, सिंपल सी बात है, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने देखा, तो जल्दी से मार्क्स बताओ कितने आ रहे हैं, जल्दी से बताओ भाई। अंकिता सेन, करिश्मा, श्रेष्ठा, चिंतन, आन्हा, निर्मला, प्रकाश, जल्दी से अपने अपने बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। चलो ठीक है, 10 out of 10, ठीक है ठीक है। सौरभ कुहा दे बहुत दिनों के बाद, ठीक है 8, 9, 10, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कई बच्चे 10 10 बता रहे हैं, मैंने पूरा बताओ, मैं पूरा का पूरा 20 में से, ठीक है 20 में 20 वाले भी बच्चे हैं, बहुत अच्छा, शुभानगी जैसे 20 में 20 वाले भी, बहुत शानदार। दीपक वर्मा का भी 20 out of 20 है, ओके। श्रेष्ठा का भी 20 out of 20 है, सीफा पटेल का भी 20 है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारे सामने ये रहा, जल्दी से लाइक करो यार, लाइक करो जल्दी से, जल्दी से लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 21 सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ फाइटोप्लैंकटन्स आर डिस्ट्रॉयड इन द सी देन क्या होगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जानते होगे सब लोग, फाइटोप्लैंकटन्स एक मेन प्रोड्यूसर होता है, अगर इसको ही हटा दोगे तो पूरा का पूरा फूड चेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, इट विल अफेक्ट द फूड चेन इकोसिस्टम का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड्स ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कौन है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कौन है, तो अगर देखोगे सिर्फ और सिर्फ ऑनली इंक्लूड द एंडोक्राइन ग्लैंड, तो पैराथायरॉइड आएगा और सुप्रा रेनल आएगा, जैसे इसका काम पेनिट्रेटिव जूस का भी सिक्रेशन करना होता है, टेस्टिस का काम स्पर्म बनाना भी होता है, ओवरी का काम ओवम बनाना भी होता है, लेकिन अगर देखोगे पैराथायरॉइड और सुप्रा रेनल, सिंपल सी बात, सुप्रा रेनल एड्रेनल ग्लैंड को कहते हैं क्योंकि किडनी के ऊपर में होता है, इसलिए इसको सुप्रा रेनल के नाम से जाना जाता है। तो पैराथायरॉइड एंड एड्रेनल या पैराथायरॉइड एंड सुप्रा रेनल, ये सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एड्रेनल ग्लैंड सब लोग जानते होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर डायरेक्ट जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, कोडोन और उनके अमीनो एसिड के नाम जो करेक्टली यहां पर मैच करते हैं, जल्दी से क्या लगता है, क्या लगता है कौन सा अमीनो एसिड्स और उनके सामने कौन सा कोडोन, तो आंसर क्या जाएगा, UAA, ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है ना, टोटल 64 कोडोन्स में से 6 कोडोन उसको आराम से कोडिंग करता है, जैसे UUA, UUG भी करता है, CUU भी करता है, CUC भी करता है, CUA भी करता है और CUZ भी करता है, 6 तरह के, तो याद रखने वाली चीज है इसमें, ठीक है। उसके में कोई ट्रिक लगा लो तुम, जेनेटिक कोड जो 64 है वो ट्रिक से याद होगा, ऐसे तो याद होगा नहीं वो, है ना, तो याद रखना। ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जल्दी से, तो आंसर क्या जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ने ही तो पहली बार कोशिश की थी कि वाटर में भी थे हैं लेकिन हमें सॉइल पे भी जाना है, तो डिपेंडेंट थे पानी पे, क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्प्रिंग्स विद हाइब्रिड विगोर सुपीरियर टू बोथ पेरेंट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड फॉर अ फ्यू सक्सेसिव जनरेशंस टू, ऐसा क्यों करवाते हैं, मींस कहीं ना कहीं सेल्फ पोलिनेशन से रिलेटेड बातें हैं, सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है कि उस क्रॉप में जेनेटिक जो कहें तो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर उसमें मेंटेन रहे, तो सिंपल सी बात यहां पर पूछी गई है, वहां होमोजाइगोसिटी बढ़ता जाएगा। होमोजाइगोसिटी अच्छी चीज नहीं है, होमोजाइगोसिटी को फिर आगे दूर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस कहां होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, सब बच्चे को मालूम होगा कि हाँ इस फेज में चलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 27, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, अदा की कमी हो जाए क्या होगी, अदा की कमी हो जाए, एडेनोसिन डीएमिनेज की अगर कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम से चीजें जुड़ी हुई हैं, तो सेवरे
सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर होती है चीजें, सिंपल सा चीज है ये, अदा की कमी से चीजें होती हैं सर। क्वेश्चन नंबर 28, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, जो बच्चों ने आंसर लगा दिया है वो ये भी बताएंगे इसमें कौन से लिंकेज देखने को मिलती है। तो पॉलीमर तो सब लोग जान रहे होंगे कि हाँ ये बीटा ग्लूकोज का होता है, बीटा ग्लूकोज का तो है ही, लिंकेज कौन सी है इसमें, प्लांट सेल वॉल की बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये, एल्गी वगैरह में भी मिलेगा देखने को, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टेल्स, हाँ तो बीटा सेलुलोज यहां पर मिलती है, बीटा 1,4 लिंकेज मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, एडिबल फंगस कौन है भाई, म्यूकर, पेनिसिलियम, अगेरिकस और राइजोपस, सब लोग जानते हैं, सब मशरूम खाते हैं, आंसर क्या जाएगा, अगेरिकस मशरूम। क्वेश्चन नंबर 30, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस्ड अंडर, लेफ्ट शिफ्ट होना अच्छी बात नहीं है, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस्ड अंडर, तो क्या चला जाएगा, लो टेम्परेचर और हाई पीएच, लो टेम्परेचर और हाई पीएच, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर पीएच कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीहेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन जो है बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी चीज। क्वेश्चन नंबर 31, इफ अ होमोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट द ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल बच्चे वाली सवाल पूछी गई है यहाँ पे, अगर तुम सिंपल सा चीज है, अगर होमोजाइगस है उसको क्रॉस करवाओगे, अगर होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, तो जितने भी प्लांट्स मिलेंगे ना सारे के सारे यहाँ पे टॉल प्लांट देखने को मिलते हैं, सिंपल सी बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, द पॉलिनेशन इन पाइनस, पॉलिनेशन इन पाइनस क्या होता है, ये बात याद रखना, जब कभी भी जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एयर से ही होता है, क्योंकि कुछ है भी नहीं ना, नेक्टर भी नहीं है जो देगा इंसेक्ट को, तो एनेमोफिलस ही हमेशा होता है, जो हवाओं से पॉलिनेशन चले वो एनेमोफिलस के कैटेगरी में आता है, विंड से। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग, सोलेनेसी की बात करते हैं तो पल्सेस कहां से आएगा, फेबेसी की बात करते हैं पी तो आता ही है इसमें, ब्रैसिकेसी में वीट थोड़ी आएगा, ब्रैसिकेसी में तो मस्टर्ड वगैरह आएंगे ना क्रूसीफेरी वाले, लेगोमिनेसी में देखो सनफ्लावर कहां से आएगा, सनफ्लावर तो ऊपर वाले में चला जाएगा, है ना, तो एनसीईआरटी का सिंपल सा एग्जांपल को जरूर याद रखेंगे, मॉर्फोलॉजी जितने भी है ना वो चीज। क्वेश्चन नंबर 34, एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड टू, तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और आने के चांसेस पूरे होते हैं, क्लास 12th पेज नंबर 183, बिल्कुल लैमिनेशन करवा कर घर में रख सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट पेज है वो। तो इस एंजाइम का नाम क्या होता है, द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, जल्दी से बताओ, स्ट्रिप्टोकाइनेज होता है एंजाइम का नाम, और इसका काम क्या होता है, डिसऑर्डर्ड ब्लड क्लॉट्स, इसलिए इसको क्लॉट बस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, न्यूसेलर एम्ब्रियो इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, क्वेश्चन नंबर 40 तक देखेंगे हम लोग कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, एपोमिक्सिस सब लोग पढ़ते हैं तो बस उसी में बात की जाती है न्यूसेलर एम्ब्रियो की, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड की बात यहां पर की जाएगी, क्यों बोला गया भाई, न्यूसेलस के बारे में सब लोग जानते हैं, न्यूसेलस एक टाइप का डिप्लॉइड टिश्यू होता है, इसलिए जो न्यूसेलर एम्ब्रियो भी बनेगा वो एपोमिक्टिक डिप्लॉइड के कैटेगरी में आता है, सब लोग जानते होंगे इसमें, इसमें मियोसिस नहीं चलता, इसमें सिंगैमी नहीं चलता एपोमिक्सिस में, सिंपल सा फेनोमेनन होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर डेवलपमेंट हो जाए एम्ब्रियो का तो इसको बोलते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो के कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस विच हार्मोन, प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस विच हार्मोन, जल्दी से ही बताएंगे, बहुत सिंपल सा चीज है, आंसर क्या जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि बाकी सब हार्मोन बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, है ना, तो ये चीज होता है। प्लेसेंटा होता क्या है, तो टेम्पररी एक कनेक्शन होता है जो कि फीटल और मैटरनल टिश्यू के बीच में, इसी चीज को प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है, पर्पस वही है, न्यूट्रिशन पर्पस, रेस्पिरेशन पर्पस, एक्सक्रेशन पर्पस, ये सब काम होता है प्लेसेंटा का। क्वेश्चन नंबर 37, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, जानते होंगे पहले भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ऊष्मो रेगुलेशन करना होता है, ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन आ चुका है ये, शायद पेपर 1 में या पेपर 2 में आ चुका है ये।
कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश या शेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इस चीज को? हम पीसी कल्चर के नाम से बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स ऑफ द इंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेरीन इन द फॉर्म ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। आंसर क्या जाएगा? कैस्प्रियन स्ट्रिप्स। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में भी क्वेश्चन देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स ने किसके साथ रिश्ते बनाए हैं? कंपेनियन सेल्स ने सीव एलिमेंट्स के साथ रिश्ते बनाए हैं, सीव एलिमेंट्स के साथ रिश्ते बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बाली, जावा और कैस्पियन, बाली, जावा और कैस्पियन की अगर बात करते हैं तो ये सब स्पेसीज किसके हैं? पैंथेरा टिग्रिस के। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। चलो भाई, इतनी बातें हो गई हैं तो एक बार जल्दी से अपने स्कोर बताओ, क्या लगता है कितने स्कोर आ रहे हैं सबके तक? क्वेश्चन नंबर 41 तक, बहुत बढ़िया। किसी के 39 है, 40 है, 40, 38, 41 भी है, बहुत शानदार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो सबके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में चलते हैं, 42 में चलते हैं, 42। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद पोलर निकुलाई ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज, इस चीज को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे ना, ये एन है और ये क्या है, 2N है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और एक और होता है सिंगैमी, ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट तो दो जाते हैं एन एन, और वहां पे पोलर निकुलाई पहले से मौजूद होता है तो 2N, और एक और होता है एग तो उसमें चला जाएगा N, तो एक ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगैमी इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सब बच्चे जानते हैं पीली और फिमरी का कोई रोल नहीं होता, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं ये, इनका कोई भी रोल मोर्टिलिटी में तो होता ही नहीं है। आंसर क्या जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, इफ प्लांट मटेरियल इज ड्राइड एंड बर्नड इन अ क्रूसिबल द रेसिड्यू वुड कंटेन, इफ प्लांट मटेरियल इज ड्राइड एंड बर्नड इन अ क्रूसिबल द रेसिड्यू वुड कंटेन, अगर जितने भी ड्राइड प्लांट्स हैं ना, प्लांट के जितने भी ड्राइड प्लांट पार्ट्स हैं, अगर हम उसको हीट करते हैं तो लगभग उसमें चीजें क्या बचती हैं? उसमें ऑक्साइड्स बचेंगे और कार्बोनेट बचेंगे 10 एलिमेंट्स के। बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है सिंपल सा। तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स बचते हैं उसमें, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब चीजें जनरली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन द टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है, FADS2 इज फॉर्म ड्यूरिंग, FADS2 इज फॉर्म ड्यूरिंग, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनाओगे, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनाओगे तो उस समय निकलता क्या है? FADS2। याद आ रहा होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वहीं पर तो इस्तेमाल किया जाता है। सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट में जब कन्वर्जन किया जाता है तो उस समय इसका इस्तेमाल होता है। ओके चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मलेरियल पैरासाइट इज, क्या होता है मलेरियल पैरासाइट? मलेरियल पैरासाइट इज, दो होस्ट की जरूरत होती है ना, एक प्रिंसिपल होस्ट बोलते हैं या प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, और एक होता है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर होस्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी में कौन हो जाएगा? ह्यूमन, और ये ह्यूमन हो जाएगा, और सेकेंडरी में बात करते हैं तो फीमेल एनाफ्लीज हो जाएगी, फीमेल एनाफ्लीज, तो क्या हो जाएगा? डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक। तो याद रखना है जितने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्वेश्चन है ना, कौन है मोनोजेनेटिक, कौन है डाइजेनेटिक, ये हमें बात मालूम होनी चाहिए, कौन डिजीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, द पीएच ऑफ द डाइजेस्टिव जूस विद इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज बिटवीन 7.5 से लेकर 8.5, दिस एनवायरमेंट इज स्लाइटली। सब लोग जानते हैं अगर लो होगा तो एसिडिक होगा, हाई होगा तो बेसिक होगा। कई बच्चे न्यूट्रल इसमें टिक कर देते हैं, न्यूट्रल इसमें नहीं आता, न्यूट्रल 7 के पास आता है। क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फ्लॉक्स प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ द सीवेज कंप्राइजेस ऑफ, क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें? एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी बोलती है ना,
मेस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसे, फ्लॉक्स, क्या चीज होती है, होती है उसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे डिकम्पोजर्स यही तो होते हैं, वही तो इस्तेमाल होंगे वहां पर, बैक्टीरिया और फंजाई माइक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं और वर्ल्ड्स बेस्ट कम डिकम्पोजर्स कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग ब्लड टाइपिंग एग्लूटिनेशन इंडिकेट्स, एग्लूटिनेशन से क्या पता चलता है, एग्लूटिनेशन वैसे है क्या, सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें एंटीबॉडी जितने भी होते हैं वो एंटीजेन से जुड़ते हैं और एक लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आरबीसी कैरी सर्टेन एंटीजन, सिंपल सा एक क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 50, द स्टेटमेंट टाइगर इज इन द एपेक्स ऑफ द फूड चेन, सब लोग जानते होंगे, अगर पिरामिड की भी बात होगी तो उसमें सबसे एपेक्स पे होता है ये, इस कौन से बातों को इंडिकेट कर रहा है ये, टाइगर इज डिपेंडेंट अपॉन अ लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, ठीक है, सबसे टॉप पे है तो उसके नीचे वाले से डिपेंडेंसी होती है इसकी, सबसे टॉप कंज्यूमर होता है अपने फूड चेन में, ओके तो लोअर कार्निवोर को भी खा सकता है और हर्बीवोर को भी ये चीज खा सकता है जो टाइगर होता है, लॉयन या टाइगर कुछ भी कह सकता है। 51, इवोल्यूशन से सवाल, करेक्ट सीक्वेंस अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट सीक्वेंस, सिंपल सा ये चीज है, पहले कौन आया है, पैलेजोइक, उसके बाद कौन आया मीसोजोइक, और उसके बाद कौन आया सीनोजोइक, तो इस तरह से यहां पर जितने भी ऑर्डर होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, सिंपल सी चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 52, ह्यूमन किडनी क्या लगता है, ह्यूमन किडनी एनसीईआरटी डिटो लाइन है, ह्यूमन किडनी प्रोड्यूसेस मोर डाइल्यूट यूरिन व्हेन द कलेक्टिंग डक्ट्स बिकम्स लेस परमेबल टू वाटर, है ना, सिंपल सा ये किडनी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन देखो आने के चांसेस हैं, पहले ऑलरेडी एम्स में आ चुका है तो ये क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस बनते हैं। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटल सैक, जब डिसेंड ही ना करे, जब दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में आए ही ना, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ए सेलुलर फॉर्म, एनसीईआरटी में ये सब जितने भी है ना डेटा सब एक जगह लिखेंगे तो बेहतर होगा। The acellular forms of life could have originated around, कब है भाई, तो 3000 माया, MYA million years ago बोलते हैं इसे हम, MYA million years ago, ठीक है। Next question number 55, metagenesis, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, cylindrates का क्वेश्चन है ये, इतना मैंने हिंट दे दिया एनिमल किंगडम का, तो metagenesis के बारे में बात होगी तो ओबेलिया जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, लार्जेस्ट नोन कौन है, लार्जेस्ट नोन जिसमें सबसे ज्यादा बेसिस होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस जिसमें सबसे ज्यादा 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं, किसमें, डिस्ट्रोफिन में, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा ट्रू है यहां पे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कौन सा यहां पर लग रहा है, पहली चीज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, गलत बात, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, बिल्कुल अर्थराइटिस की बात आएगी तो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होगा ही, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, बिल्कुल ऑटोइम्यून डिजीजेस, बहुत शानदार, टू और थ्री दोनों सही, तो आंसर क्या जाएगा, फोर, आंसर क्या जाएगा, फोर, टू एंड थ्री, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए दिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज। क्वेश्चन नंबर 58, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर, क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर क्या लगता है, हैव बीन डिजाइंड फॉर ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे थ्रू आउट द प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 59, ये अच्छा क्वेश्चन है एक इवोल्यूशन का, When selection acts to eliminate both extremes from an arrow of phenotype, the frequency of intermediate type, which is already present in more, gets increased. This type of selection is called. जब NCERT का ग्राफ देखोगे, उसमें साफ चीजें पता चलती हैं, तो आंसर यहां पर क्या चला जाएगा? A stabilizing selection. ठीक है?
इस बार ही शायद क्वेश्चन आया था वो जो छोटा छोटा इन्फेंट्स वाला क्वेश्चन आता है, 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो वाला, वो भी क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। और मिस इससे कर सकते हैं चाहे तो, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, ये वाला मतलब हार्डी बीन वर्क्स है ना, एक को तो मतलब एक लेकर चल सकते हैं, जितने फैक्टर्स होते हैं वो लेकर चल सकते हैं, या डिसरप्टिव डायरेक्शन स्टेबलाइजिंग लेकर चल सकते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी पूरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 60, लो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, थैलमस इज, थैलमस क्या होता है, किसी भी फ्लावर का बेस होता है, थैलमस कह दो, टोरस कह दो, रिसेप्टिकल कह दो, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 61, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इन द हार्ट बिगिंस बाय द कमांड फ्रॉम, सबसे पहले कमांड कौन देगा, बिगिंस है भाई यहां पे, बिगिंस सबसे पहले कौन कमांड देगा, एसए नोड कमांड देगा, पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए कैसे कैसे एसए नोड एवी नोड होता है। चलो नेक्स्ट, 62, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा कौन, स्पीसीज, उसके बाद कौन, पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप, देन बायोम, देन बायोस्फेयर। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ए, सिंपल सी चीज यहां पर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीडी टॉक्सिन, ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं एनटीए के खुद के मॉक टेस्ट में। व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन की अगर बात करते हैं तो ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन और प्रोटॉक्सिन होता है जो कि कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में इंसेक्ट के गट में। चलो डीबी से क्या पता चलता है, डीबी डेसिबल बोलते हैं इसे, डीबी इज अ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ, तो एक पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट का होता है, सिंपल सी चीज अगर बोली जाएगी तो नॉइज का होता है, नॉइज इज ऑल्सो टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, तो साउंड एबव 80 डेसिबल इज कंसिडर्ड एज नॉइज। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्वेश्चन निकोसियाना सिल्वेस्ट्रिस, एक भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं, कुछ है नहीं दम, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट रखी गई है, कुछ भी दम है ही नहीं इसमें, पूछा गया बेस्ट रीजन बताना है, इसमें बेस्ट रीजन बताना है कि जो सिल्वेस्ट्रिस है और टेबैकम जो है वो आपस में अलग अलग हैं दोनों, तो बिकॉज दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, इसलिए तो अलग अलग रहे होंगे ना, दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, सिंपल सी चीज। क्वेश्चन नंबर 66, स्विशीज, ये तो सबको मालूम होगा स्विशीज, बड़े बड़े होल होते हैं ना उसमें CO2 निकलता है, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का नाम बताना है, ऐसे कई सारे होते हैं, पेनिसिलियम रोकेफोर्टी भी होता है जो रॉकेफोर्ट चीज बनाता है, कैमेम्बर्टी भी होता है ना, बहुत सारे हैं जो कैमेम्बर्ट चीज बनाता है, तो आंसर क्या जाएगा, प्रोपिनबैक्टर शर्मानी। 67, उसी पेज से सवाल है ये, उसके पहले 183 के पहले वाले पेज में है ये, स्विस चीज इज रैपेंड भाई। चलो 67 बताओ भाई, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट जो भी तुम्हें लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना है, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, देखो सब कुछ देख लो यहां पे, तुम्हें लगेगा कि जो पहला स्टेटमेंट तुम देख रहे हो, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ए बैंड की अगर बात करते हैं तो डार्क एंड कंटेन मायोसिन मोटा वाला, आई बैंड और लाइट बैंड एंड कंटेन एक्टिन, पहला दूसरा तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट गलत बात, तो तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट आते हैं, द पार्ट बिटवीन द टू जेड लाइंस, इसी को बोलते हैं सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन, यही आगे पीछे चलेगा। पांचवा अगर बात करते हैं तो द सेंट्रल गैप ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड ए जोन, बिल्कुल गलत बात है, ये जोन होती नहीं है, तो क्या जाएगा आंसर तुम्हारा, आंसर क्या जाएगा, 1, 2, 4 आर करेक्ट, हाँ, और 3 और 5 क्या है, इनकरेक्ट। 67 अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 68, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स, अकर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड, उसके बाद ही वो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 69,
The most significant value of vegetative propagation is that. सबसे बड़ा फायदा क्या है? Significant value क्या है? The most significant value of vegetative propagation is that it means producing a large number of individuals genetically identical to the parent. सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक से बहुत सारे क्लोन को पैदा कर लेना. Question number 70. ये तो इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी करो. Question number 70. In photosynthesis, for fixation of one molecule of glucose, ATP की कितनी requirement होती है और NADPH की कितनी requirement होती है? NCERT में एक डब्बा बना रखा है, डब्बे में ही इस चीज की चर्चा दे रखी है, तो 18 और 12 होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 71. The force of tension cohesion exceeds root pressure on a transport implant का क्वेश्चन. The force of tension cohesion exceeds root pressure on a कब होगा? जब ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत ज्यादा होगी. तो ट्रांसपिरेशन की रेट सबसे ज्यादा कब होगी? जब मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा रही होगी, जब धूप चिलचिलाती गर्मी रही होगी. मींस कह सकते हैं सनी डे, है ना? सिंपल सा सवाल था. क्वेश्चन नंबर 72. लिम्बिक सिस्टम ब्रेन में होता है हमारे. लिम्बिक सिस्टम काम क्या होता है, किन चीजों से रिलेटेड है, कौन सी चीजें यहाँ पर ट्रू लग रही हैं? बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइन लिख रखे हैं एनसीईआरटी में और वही लाइन यहाँ पे भी है. इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सही बात. द अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर पार्ट ऑफ इट, सही बात. It regulates sexual behavior and emotional behavior. सही बात. Excitement, pleasure, rage. NCERT में लिखा हुआ है. तो आंसर क्या जाएगा? All of these. Question number 73. ये क्वेश्चन आया हुआ है केरला PMT में. वो केरला PMT का क्वेश्चन है यहाँ पे. Which one of the taxonomical aids can give a comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time? At a particular time. क्या लगता है? मतलब एक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो सिंपल सी बात, मोनोग्राफ. एक टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन नंबर 74. ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय. ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है. क्वेश्चन नंबर 75. ईच लंग इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा. Double layered pleura. The outer pleural membrane is in close contact with outer pleural membrane. तो किसके contact में होगा? तो thoracic lining के, क्योंकि thoracic cavity में ही है ऊपर. Question number 76. In a sponge is asexual reproductive structure is. Sponges में gametes होती है ना चीजें. In a sponge is asexual reproductive structure is. तो इसको बोला जाता है एंडोजीनस बडिंग बोला जाता है. एंडोजीनस बडिंग बोला जाता है. सिंपल से चीज थे यहाँ पे. नेक्स्ट गेमुल्स उसी चीज को बोलते हैं. 77 एनसीईआरटी डायग्राम भी देखे होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे हैं. 77 द प्रीकर्सर ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस, उसके पहले वाला. द प्रीकर्सर ऑफ टिश्यू मोनोसाइट को सब लोग जानते होंगे. ल्यूकोसाइट का टाइप होता है ए ग्रेनुलोसाइट वाला. तो ये चीज मालूम होनी चाहिए कौन ग्रैनुलोसाइट में, कौन ए ग्रैनुलोसाइट में. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है. तो ए ग्रैनुलोसाइट का टाइप है मोनोसाइट. क्वेश्चन नंबर 78. द सिक्रीशंस ऑफ किस चीज का सिक्रीशन जो है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करता है? तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड. सिंपल सा चीज हो गया, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, या कहें तो कॉपर्स ग्लैंड. एक साइंटिस्ट थे, नाम था विलियम कॉपर, उन्हीं के नाम पे चीजें रखी गई हैं. छोटे छोटे दो एग्जोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. आंसर है क्या? 2. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है 2015 में या 16 में आया हुआ है नीट में क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम. हमारे स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं होता बॉडी हीट का प्रोडक्शन करना. क्वेश्चन नंबर 80. विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट कर रहा है तो एक ही वो ऐसा एलिमेंट है जो मदद करता है, जिसको बोरिक एसिड कहते हैं. तो बोरिक एसिड में कौन सा? तो बोरोन उसमें शामिल होगा. तो सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलन जर्मिनेशन में मदद करता है. एनसीईआरटी साफ लिखती है इस चीज को. क्वेश्चन नंबर 81. हेलोफाइल्स डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया एन. हेलोफाइल्स डिफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया, फ्रॉम यू बैक्टीरिया. क्योंकि देखो एनसीईआरटी तो कहती है सेल वॉल, और हम ये भी जानते हैं कि जब आया था एग्जाम में आंसर 2014 में तो सेल मेम्ब्रेन गया था आंसर. तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि सेल वॉल भी अलग है, सेल मेम्ब्रेन भी अलग है, ब्रांच लिपिड चेन होती है. दो सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. तो सिंपल सी बात होगी, आंसर क्या जाएगा? 4. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. सिंपल सी चीज. क्वेश्चन नंबर 82.
डेंसिटी पॉपुलेशन का इंक्रीज कब होगा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस व्हेन? इंक्रीजेस व्हेन? देखो यहां पर अगर इमिग्रेशन अगर इंक्रीज होता तब ये हो जाता है आंसर। यहां पर नेटिलिटी इंक्रीजेस है, मींस बर्थ रेट बढ़ती है तभी वो चीज होता है। डेंसिटी बढ़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। Which of the following statements regarding decomposition is false? Which of the following statements regarding decomposition is false? ये ecosystem का सवाल है। Which of the following statement regarding decomposition is false? तो simple सी बात, precipitation of soluble inorganic nutrients into the soil horizon as unavailable salt, इसी चीज को बोलते हैं mineralization। बिल्कुल गलत बात है ये चीज। सब लोग जानते होंगे इस चीज को, सिंपल सा चीज, लीचिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, रॉन्गली मैच बोला गया है C4 साइकिल के रिगार्डिंग। गलत कौन सा लग रहा है यहां पे? रॉन्गली मैच्ड प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, अरे C4 साइकिल का है ना, तो OAA होगा ना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ना, तो OAA होगा ना, तो आंसर क्या जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 85, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन यूकैरियोट्स अकर्स ड्यूरिंग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन यूकैरियोट्स अकर ड्यूरिंग। सिंपल सी बात है, सिंपल सा बोला जा रहा है ना, एटीपी का प्रोडक्शन। एटीपी का प्रोडक्शन कहां होगा? तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कब? जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तब। आंसर है 4। 86, काम क्या होता है पोटेशियम आयन का? सबसे इंपॉर्टेंट रोल पोटेशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? देखते लगा दे रहे होगे, है ना। पोटेशियम एक्टिवेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इट इन्फ्लुएंसेस मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज विच रेगुलेट मेनी प्लांट प्रोसेसेस। 87, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, तो कॉपर किसमें होगा जो ईटीएस में मदद करता है? कॉपर किसमें होगा? तो सियानो, कुछ लग रहा है ना नाम से, प्लास्टोसियानिन। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विद रेडियल सिमेट्री, लोग कितना सिंपल सा सवाल है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को खोजो और रेडियल सिमेट्री खोज लो, तो मैं सिलेंट्रेटा टीनोफोरा यही दोनों में से तो होगा। तो देखो राउंडवर्म एस्केलमेंथिस में, अर्थवर्म एनिलिडा में, लीवर फ्लूक फैशियोला ये होगा नहीं, ये प्लैटेलमेंथिस में चला जाता है। आंसर क्या जाएगा? हाइड्रा सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। 89, Which organism is used as biocontrol agent of several plant pathogens? सबको नाम मालूम होगा इसका, Trichoderma। सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 90। ये डायग्राम सबने देख रखा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो बोला गया है जो एक साइट है ना ये वाला, तो एक साइट ये क्या बता रहा है? एक साइट क्या बता रहा है? इसके बाद जल्दी से जितने भी बच्चे हैं अपने अपने मार्क्स बताएंगे, जल्दी से। क्या लगता है? इन द गिवन डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी एक्स इंडिकेट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? एंटीजेन बाइंडिंग साइट को रिप्रेजेंट करता है, एंटीजेन बाइंडिंग साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस चीज का ख्याल रखना है। टोटल 90 क्वेश्चन हमने देखा, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं जल्दी से मुझे ये बताना है, कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं भाई? टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं? बहुत शानदार, 83, 87, 87, 86, 90 out of 90, गजब, बहुत शानदार। सबके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। चिंतन, रोमा, हर्षदा, पारश, सौरभ, बस एक काम करना है, इसको जितने भी फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो ना उतना बेहतर होगा, ओके। और जितने लाइक्स बढ़ा सकते हो उतना बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। और अनअकैडमी प्लस जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो कुमार लाइव कोड यूज करेंगे और अनअकैडमी प्लस को जल्दी से ज्वाइन कर लो, ओके। तो फिर मुलाकात होगी जल्दी अगली क्लास में हमारी, ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक यू।